कोरोना कोविड-19 के बढ़ते मरीजों ने बढ़ाई चिंता। लापरवाही लोगों की आ रही है सामने, बढ़ती भीड़, ना सोशल डिस्टेंस और ना मोबाइल पर मास्क। कलेक्टर की अपील भी हो रही है नाकामयाब। लापरवाही दिख रहे हैं लोग, मध्य प्रदेश की दमोह की बहुत सब्जी मंडी का नजारा। नवाचार समाचार विस्तार से। कोरोना कोविड-19 पूरी दुनिया में तीसरी लहर फैला रहा है और तीसरी लहर लगातार अपनी चपेट में लोगों को ले रही है। कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भारत में भी यह संख्या लगातार प्रतिदिन बढ़ रही है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के दमोह में ये संख्या 300 के करीब पहुंचने की स्थिति में पहुंच रही है। लगभग 250 मरीज वर्तमान में बताए जाते हैं और ऐसे समय लापरवाही सामने दिखलाई दे रही है। लोग लापरवाह हैं, ना डिस्टेंस है, ना मुंह पर मास्क है, ना फिर कोरोना कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है। सब कुछ लापरवाही दिखलाई देती है। दमोह जिले के कलेक्टर एस कृष्ण चेतन स्वयं सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने अपील भी की और कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, पर कार्रवाई कितनी हो रही है इस बात को लेकर तो प्रश्न चिन्ह अंकित होते ही है, परंतु लोगों की लापरवाही भी सामने दिखलाई देती है। क्योंकि कार्रवाई अपनी जगह है, पर हमारी जिम्मेदारी कितनी है, इस जिम्मेदारी को कितना लोग समझ रहे हैं, इस बात को लेकर भी अब चर्चाएं हो रही हैं। लापरवाही सामने आ रही है। फिलहाल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाली यानी जिला मुख्यालय पर स्थित सब्जी मंडी, थोक सब्जी मंडी की। थोक सब्जी मंडी की स्थिति क्या है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस प्रकार यहाँ पर लोग लापरवाह दिखलाई दे रहे हैं, ना दूरी है, ना मुंह पर मास्क है, ना किसी प्रकार के नियमों का पालन हो रहा है। सब अपनी मस्ती में मस्त है। क्रेता हो या विक्रेता हो, जिम्मेदार अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सब लापरवाह दिखलाई दे रहे हैं। और इतनी बड़ी भीड़, बाहर से आने वाला माल, उसमें आने वाले लोग, फिर यहाँ के स्थानीय क्रेता और विक्रेता, सब लापरवाही दिखलाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 90% लोग यहाँ पर बिना मास्क के दिखलाई दे रहे हैं। क्या ये बड़ा संकेत है? जिस स्थिति में मरीज यहाँ पर निकल रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन के मुखिया स्वयं सड़कों पर उतर रहे हैं। संबंधित विभाग दिन रात मेहनत कर रहा है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, मुंह पर मास्क लगाइए, दो गज की दूरी और मास्क से जरूरी के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखना है, वैक्सीन लगवाना है। पर क्या हो रहा है आप स्वयं देख सकते हैं। ये लापरवाही स्पष्ट दिखलाई दे रही है और इसमें अंदेशा हो रहा है, आशंका बन रही है कि मरीजों की संख्या लगातार इसी प्रकार बढ़ती रहेगी अगर ऐसे ही लोग लापरवाह होते रहेंगे। लापरवाह लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होना क्या जरूरी है? जरूरी है लापरवाही लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होना, परंतु लोगों की जिम्मेदारी भी होना चाहिए। आसपास के लोग भी एक दूसरे को टोके रोके और कार्रवाई अपनी जगह है, पर जिंदगी अपनी जगह है। इसलिए लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमें कार्रवाई के लिए भरोसे नहीं रहना है, हमें अपनी जवाबदारी को निभाना है। जिस स्थिति में मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, दो गज की दूरी, मास्क से जरूरी के ध्येय वाक्य को ध्यान रखें, कोविड के नियमों का पालन करें। नहीं करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है कि जिस स्थिति में कोरोना के मरीज पड़ रहे हैं वह चिंता का कारण बना हुआ है। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।